हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी तो पूरी हो चुकी है और अब सभी को इंतजार है जुलाई का, क्योंकि जुलाई में होने वाली है इन दोनों की शादी। शादी से पहले की तैयारियां भी काफी खास होने वाली है, क्योंकि खुद इसका जिक्र अनंत अंबानी ने किया था कि कैसे नीता अंबानी ने इस प्री वेडिंग फंक्शन की तैयारियों के लिए 4 से 6 महीने पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी, तभी ये जा करके इतनी ग्रैंड तैयारी हुई, ग्रैंड सेरेमनी का आयोजन किया गया। ऐसे में उम्मीद है कि इस प्री वेडिंग सेरेमनी के खत्म होते ही अब शादी की तैयारियां भी उसी जोरों शोरों के साथ शुरू होने वाली है। मुंबई में शादी होगी। इसी बीच में मुकेश अंबानी के दोनों बेटे काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ईशा अंबानी की कई सारी वीडियोस सामने आ रही हैं, ये पहली बार नहीं है। काफी सालों से मुकेश अंबानी देश के पॉपुलर बिजनेसमैन के तौर पर रहे हैं। अनिल अंबानी से ज्यादा लोग मुकेश अंबानी की चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि आखिर अनिल अंबानी के बेटों का क्या नाम है, क्या काम करते हैं बेटे, और साथ ही आज जिक्र करते हैं अनिल अंबानी की दोनों बहनों के बारे में। धीरू भाई अंबानी और कोकिला बेन अंबानी की जो संतानें थी वो 4, जिसमें मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ये 2 बेटे और इसके अलावा 2 बेटियां भी थी। अक्सर मुकेश अंबानी का जिक्र होता है, कभी कभार अनिल अंबानी का भी जिक्र होता है, वो भी चर्चित बिजनेसमैन हैं, देश में उनकी भी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि मुकेश और अनिल अंबानी की अपनी सगी 2 बहनें भी हैं। और इन दोनों बहनों के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि लाइमलाइट से दूर रहते हैं। हालांकि अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में दोनों बहनों को एक साथ देखा गया। अब ये दोनों बहनें कौन हैं, क्या काम करती हैं, कहाँ रहती हैं, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंबानी परिवार की बात करें तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम सबसे पहले याद आता है। मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े कारोबारी, लेकिन आपको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है कि धीरू भाई अंबानी के 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां। धीरू भाई अंबानी की बेटियां या कहीं मुकेश अंबानी की दोनों बहनों का नाम नीना और दीप्ति है। दोनों ही हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं। यही वजह है कि लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। धीरू भाई अंबानी की बड़ी बेटी दीप्ति ने पड़ोस में रहने वाले राज उर्फ दत्तराज सलगांवकर से शादी की थी। दोनों की शादी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। फिलहाल अपने परिवार के साथ वो गोवा में रहती हैं। दरअसल धीरू भाई अंबानी अपने परिवार के साथ साल 1978 में मुंबई की उषा किरण सोसाइटी के 22वें फ्लोर पर रहा करते थे। उस समय इसी बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर कारोबारी वासुदेव सलगांवकर का परिवार रहता था। अंबानी और उनके परिवार के बीच में संबंध बड़े अच्छे थे। वासुदेव सलगांवकर के बेटे दत्तराज सलगांवकर अनिल अंबानी के उम्र से 2 साल बड़े थे। उनकी मुकेश अंबानी से भी अच्छी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती होने के कारण दत्तराज का धीरू भाई अंबानी के घर पर आना जाना बहुत ज्यादा था। इसी बीच में राज और दीप्ति के बीच में भी दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और राज सलगांवकर इस बारे में कहते हैं कि मैं और दीप्ति अक्सर मिलते थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि अगर शादी के बारे में अगर दोनों राजी तो फिर परिवार भी क्या कर सकता है। ऐसे में दोनों ने रिश्ते की बात अपनी परिवार में छेड़ी और परिवार वाले भी तैयार हो गए। दीप्ति अब अपने पति के साथ गोवा में रहती हैं और यही वजह है कि लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। राज और दीप्ति की 2 संतान, 1 बेटी और 1 बेटा। बेटी का नाम इशिता और बेटे का नाम विक्रम। इशिता की शादी नीरव मोदी के भाई से हुई है। राज सलगांवकर के पिता के निधन के बाद धीरू भाई अंबानी उनके परिवार को गाइडेंस करते थे। राज और मुकेश अंबानी की दोस्ती के कारण कई बार कई मामलों में वो सलाहकार भी बने। दीप्ति और राज की शादी 1983 में हुई थी। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की दूसरी बहन नीना कोठारी की। नीना कोठारी भी बहुत कम चर्चाओं में रहती हैं, मीडिया से दूर रहती हैं। जन्म से ही अंबानी परिवार के सदस्य नीना कोठारी धीरू भाई अंबानी की बेटी हैं। साल 2003 में उन्होंने कारोबारी की शुरुआत की।
एक बिजनेस वुमन के तौर पर काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी हैं। उन्होंने उस समय जावा ग्रीन और कॉफ़ी एंड फूड फ्रेंचाइजी की नींव रखी थी। हालांकि ये कंपनी ज़्यादा बिजनेस कर नहीं पाई। 1986 में नीना कोठारी ने बिजनेसमैन भद्र श्याम कोठारी के साथ शादी की थी। कैंसर की वजह से साल 2015 में भद्र श्याम कोठारी का निधन हो गया था। उनके एक बेटे अर्जुन कोठारी और एक बेटी नयन तारा कोठारी हैं। नीना कोठारी को 8 अप्रैल साल 2015 को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। उन्होंने कॉरपोरेट जगत की तमाम चुनौतियों का सामना किया और कंपनी को संभाला और कंपनी को अच्छे से नई ऊंचाइयों पर भी ले गई। प्रमुख बनने के बाद नीना ने HC कोठारी ग्रुप का और विस्तार किया। कोठारी पेट्रोमिक्स और कोठारी सेफ डिपॉजिट्स कोठारी ग्रुप की दो अन्य कंपनियां खोली। कॉरपोरेट शेयर होल्डिंग के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 52.4 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। कंपनी का मार्केट कैप 3.33 अरब रुपए का है। नीना कोठारी लाइमलाइट से बहुत दूर रहती हैं। हाल में ही नीना और दीप्ति दोनों को ही अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के दौरान देखा गया था, जहां दोनों बहनें एक साथ नजर आई थी। नीना कोठारी अपने दोनों भाइयों के काफी ज्यादा क्लोज हैं। जब उनके बेटे अर्जुन की शादी हुई थी तो उनके दोनों भाई अपने अपने घरों में इस उत्सव का जश्न मनाने के लिए शामिल हुए थे और साथ ही नीना के भाई मुकेश अंबानी ने अपने घर में नीना की बेटी नयन तारा के लिए प्री वेडिंग भी रखी थी और बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटी दोस्तों को भी इनवाइट किया था। तो इस तरीके से नीना कोठारी और उनके दोनों भाइयों की बॉन्डिंग देखी जा सकती है। हालांकि दावा ये किया जाता है कि नीना कोठारी का सबसे ज़्यादा खास रिश्ता उनकी छोटी भाभी टीना अंबानी के साथ है। हालांकि नीता अंबानी के भी काफ़ी क्लोज मानी जाती हैं नीना। मुकेश अंबानी की बहनों की बच्चों की इवेंट में उनकी शादी उनकी प्री वेडिंग्स में कई बार ईशा अंबानी को देखा गया है। ईशा अंबानी की कई सारी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं जिसमें वो अपने कजन्स के साथ नजर आ रही हैं। ये तस्वीर ये साफ बयां करती है कि मुकेश अंबानी के परिवार के साथ किस तरीके का रिश्ता शेयर करती हैं उनकी दोनों बहनें नीना कोठारी और दीप्ति। तो देखा आपने मुकेश अंबानी की दोनों बहनों के बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी की दो बहनें हैं और ये दोनों बहनें ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा करोड़पति हैं। हालांकि लाइमलाइट में नहीं रहती, इस वजह से इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।